हेलो दोस्तों, मेरा नाम राज है और आपका टेक एक्सपर्ट हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपको फ्री में कंप्यूटर, मोबाइल, टेक्नोलॉजी के टिप्स एंड ट्रिक्स फ्री में सिखाए जाते हैं, वो भी हिंदी में बिल्कुल मुफ्त। तो हमारे चैनल पर डाली गई वीडियो को देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे हमारे द्वारा डाले जाने वाली जो भी आगे कोई भी वीडियो होगी उसकी जानकारी आपको सीधे आपके ईमेल पर मिल सकेगी और आप उसको देख सकेंगे और आप उससे परिचित हो सकेंगे। तो दोस्तों, ये कुछ वीडियो डाली हुई हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं कि कैसे अनलिमिटेड कॉइन्स या कीज़ कैसे पा सकते हैं अपने एंड्रॉयड गेम्स के अंदर लक्की पैचर के यूज़ के द्वारा, और कैसे लक्की पैचर का यूज़ किया जाता है, कैसे हम अपने एंड्रॉयड मोबाइल को फास्ट कर सकते हैं बिना किसी एप्लीकेशन के मदद से, कैसे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाए जाते हैं, और कैसे किसी भी अपने किसी दोस्त का व्हाट्सएप कैसे क्रैश किया जाता है, और कैसे अपने एंड्रॉयड मोबाइल से फेक कॉल की जाती है, और दोस्तों और कैसे बिना नेट के, बिना इंटरनेट के मदद से अपने वीडियो के लिए इंट्रो कैसे बनाए जाते हैं, और हम कैसे पासवर्ड देख सकते हैं वाईफाई का किसी का, अपनी हार्ड ड्राइव को कैसे हाइड किया जाता है। तो इस तरह से काफ़ी वीडियोज़ हैं। ये एक वीडियो है जो कैसे हम अपनी 2 GB तक की वीडियो की फाइल को 100 MB 150 MB में कैसे कन्वर्ट करें बिना उनकी क्वालिटी को घटाए हुए। तो इस तरीके की वीडियो आपके हमारे चैनल पे आपको मिलेंगी, और भी इस तरीके से मैं डालता रहता हूँ। तो पर आप हमारे चैनल को यहाँ पर जाकर इस बटन पर, रेड बटन पर जाकर इसे सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो डाली गई है उसकी जानकारी आपको सीधे सीधे आपके ईमेल पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चलें, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप अपने ड्यूल कोर प्रोसेसर को, या कोई भी प्रोसेसर हो आपका, उसको i7 या अल्ट्रा या i5 या i3 जो भी आप करना चाहें उसे कैसे करें, और अपने दोस्तों को कैसे बेवकूफ़ बनाएं इस तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप अपने प्रोसेसर का नाम चेंज कर सकें, और चाहे आपके पास कितने लोअर ग्रेड सिस्टम हो या PC लैपटॉप हो, आप उसका नाम बिल्कुल हाईटेक रख सकते हैं, जैसे i7 रख सकते हैं। इससे आपके फ्रेंड्स बिल्कुल सरप्राइज हो जाएंगे कि ये कैसे हुआ। तो चलिए, उनको बेवकूफ़ बनाने का तरीका सिखाया जाता है आपको। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको जाना होगा स्टार्ट मेन्यू में, और यहाँ पे रन टाइप करनी होगी। रन कमांड देखिए, शुरू में आपको रन कमांड आ गई। आप चाहे तो इसके लिए विंडो प्लस R बटन दबा सकते हैं। विंडो बटन दबाइए, साथ में R बटन दबाइए, तो ये रन की कमांड डायरेक्ट खुल जाएगी। यहाँ पर आपको टाइप करना होगा REG edit, इसे रजिस्ट्री एडिट कहेंगे। जब आप REG एडिट कर दें, देखिए आप, आपको दिखाई दे रहा होगा REG edit। इसको करने के बाद ओके करिए, आपसे यस के लिए पूछ रहा है। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं इसे खोला हुआ था, आपको इसमें देखिए 5 ऑप्शन 6 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। आप इसमें एच की लोकल मशीन को खोलिए, इसके बाद आपको हार्डवेयर खोलना है। ये देखिए, हार्डवेयर पे जाइए, हार्डवेयर के बाद डिस्क्रिप्शन पर, डिस्क्रिप्शन के बाद आपको जाना है सिस्टम पे। देखिए मैं दिखा देता हूँ, डिस्क्रिप्शन के बाद आप सिस्टम खोलिए, सिस्टम के बाद आपको खोलना है सेंट्रल प्रोसेसर। ये देखिए, सेंट्रल प्रोसेसर में सबसे पहले जो 0 है इस पे क्लिक करिए, और आपको इधर दिखाई दे जाएगा। ये देखिए, मैं आपको इधर दिखा देता हूँ, ये देखिए, आपको इसमें देखिए प्रोसेसर नेम दिखाई दे रहा होगा। फुल स्क्रीन कर देते हैं इसको ज़रा, और इसे थोड़ा सा प्रोसेसर नेम स्ट्रिंग आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये इस पर डबल क्लिक करिए। देखिए, ये मेरे प्रोसेसर का नेम है। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको पहले मैं इस नेम को रख लेता हूँ अपने पास सेव करके, ताकि मैं इसे बाद में चेंज कर सकूँ।
इसको एज इट इज़ वापस वही कर सकूँ। तो देखिए मेरा प्रोसेसर का नाम है जो मैंने रख दिया है, अब मैं वापस दोबारा उसी में जाता हूँ। ये कहाँ गई, ये रहा। अब इस पर अब देखिए मेरा ये i3 है, मैं क्या चाहता हूँ, मैं इसको i7 कर दूँ, या फिर देखिए इसे i7 कर दिया। और ये यहाँ पे सबसे आगे मैंने इसको डाल दिया है, यूट्यूब चैनल कुछ भी डाल सकते हैं आप, जो भी आप डालना चाहें। या चलिए मैं अपना नाम डाल देता हूँ, ये देखिए मैंने अपना नाम डाल दिया है। इसको चाहे तो आप और भी ज़्यादा हाई टेक कर सकते हैं, 2 की जगह आप 4.4 भी लिख सकते हैं। तो आप इन्हें देखिए चेंज कर दिया। अब इसे चलिए इसे चेक कैसे किया जाए, आप जाइए माय कंप्यूटर पे, राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज़ पे जाएं। अब आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, देखिए ये देखिए आपको यहाँ पे प्रोसेसर के अंदर मेरा नाम दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पे i3 था, i7 हो गया है, और यहाँ पे 4.2 हो गया, 2.2 की जगह 4.2 दिखाई दे रहा है आपको। इस तरीके से आप अपने प्रोसेसर का नाम बदल कर इसे हाईटेक बना सकते हैं, और इस प्रैंक की मदद से अपने फ्रेंड्स को बेवकूफ़ बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस बटन पर जाकर इसे ज़रूर लाइक करें, और हाँ दोस्तों आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि वो भी इस वीडियो को देख के लाभ उठा सकें। आप यहाँ पे दिखाई दे रहे जो शेयर बटन, इस पर क्लिक करिए, और आप यहाँ से डायरेक्ट किसी को भी अपने फेसबुक पे, गूगल प्लस, ट्विटर, ब्लॉगर, रेडिट, टम्बलर, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, और आप इस तरह से काफ़ी साइटों पे आप इसे शेयर कर सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट इस लिंक को कॉपी करके और अपने किसी भी प्रोफाइल में या पोस्ट में आप इसे सेंड कर सकते हैं, चाहे आप फेसबुक से भेज सकते हैं, किसी भी आप अपने ईमेल से भेज सकते हैं, व्हाट्सएप से भेज सकते हैं इस लिंक को, ताकि जिसके पास भी लिंक जाएगा उस लिंक पे क्लिक करते ही ये वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। आप चाहें तो इस वीडियो को किसी भी टाइम से भेज सकते हैं, जैसे 1:57 है, तो ये आपकी जिस पर आपने जिस वक्त पर आपने इसे क्लिक कर दिया उस उतने टाइम से ही उसके पास स्टार्ट होगी। और साथ में दोस्तों आप इसे ईमेल भी कर सकते हैं डायरेक्ट, आप ईमेल पे क्लिक करेंगे तो जिस किसी का भी आप ईमेल एड्रेस डालेंगे यहाँ पे, आप चाहें तो कोई ऑप्शनल मैसेज भी डाल सकते हैं, और इसे सेंड करते ही उसकी ईमेल आईडी पे पहुँच जाएगा। ईमेल से भेजने के लिए आपको ये साइन इन करना पड़ेगा जीमेल की आईडी से यूट्यूब को, जब भी आप यहाँ से ईमेल डायरेक्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं, हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर। ये आपको जो सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, आप इस बटन पर जाकर इसे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आप इस चैनल से जुड़ सकें और हमारे द्वारा डाली गई सभी वीडियो की जानकारी ईमेल पर पा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आप देख रहे हैं टेक एक्सपर्ट हिंदी।